ध्यानावस्थित मुक्ति को आनंद ले तो शिव को सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। तो लोके पे यत प्रभुर भुंगते तन्न यच्छति कर्हिचित, पर वो यच्छति न यच्छति वो मुक्ति नहीं दे है, क्योंकि खुद अपने भोग के लिए मुक्ति रखे तो वो तुमको मुक्ति क्यों देगो, भुक्ति देगो। जो भुक्ति अपने लिए रख रहे हो वो तुमको मुक्ति देगो। वाकई यहां स्पैर में है मुक्ति, चाहिए जितनी मुक्ति ले जा, हम वापर नहीं रहे। मालिक क्या करे, जो खुद को वापर ना हो वो खुद वापरे, जो खुद नहीं वापरे वो अपने सर्वेंट को दे। ऐसे शिव जो है वो मुक्ति वापर रहे हो अपने स्वरूप से, तो वो भोग सबको दे देगो। और विष्णु जो है वो भोग वापर रहे हो अपने स्वरूप से, तो मुक्ति वाकई स्पैर में पड़ी भई है स्टोर में, जितनी चाहिए ले तो जा, ले ले तो जा, ले ले तो जा, वा तेरे को सिद्धांत है। तो या के तहत कह रहे हैं लोके पियत प्रभुर भुंगते तन्न यच्छति करहिचित, पर न यच्छति वा का मतलब ये नहीं कि वो देवता के रूप में असमर्थ हैं। अति प्रियाय तदपि दीयते, जो अति प्रिय हो सचमुच में तुम शिव के उतने प्रिय बनो तो क्यों नहीं शिव मुक्ति देगा। कोई हमें सामर्थ्य में कमी नहीं है, पर तुम उतनी अति प्रियता प्राप्त करो शिव की तो तुमको शिव मुक्ति देगो। अति प्रियता तुम प्राप्त करो विष्णु की तो विष्णु तुमको भोग भी देगो, क्यों नहीं देगो। तुम अति प्रिय हो जैसे सुदामा को दियो, भोग दियो ना, तो दे सके विष्णु भी, भोग भी दे सके। पर नियतार्थ प्रदान तदीयत्वम तदाश्रय प्रत्येकम साधन चैतत द्वितीयार्थे महान श्रम। वो तदीयत्व तदाश्रय जो है वो नियतार्थ जो दीयते क्वचिदेव ही, नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वम तदाश्रय प्रत्येकम साधन चैतत। ये प्रत्येक के ये साधन है तदीयत्व तदाश्रय और नियतार्थ प्रदानेन द्वितीयार्थे महान श्रम, क्योंकि वो नियतार्थ को प्रदान कर रहे हैं जो उनके यहाँ उपभोग नहीं कर रहे हैं। वा नियत अर्थ को प्रदान करने के कारण दूसरों तुम जब वासु उपभोग के लिए मांग रहे हो तो तुम वाकु थोड़ा बहुत कुछ श्रम दे रहे हो, माने शिव से तुम मुक्ति मांग रहे हो तो शिव को थोड़ा स्मर श्रम निकलेगो, जलाण भी सकल अगास्त्र जय संगम। और विष्णु से तुम भोग प्राप्त करना चाह रहे हो तो थोड़ो विष्णु को तुमको स्मर श्रम देना पड़ेगा, भाई ये भोग प्राप्त करना चाह रहे, क्योंकि भोग तो वो खुद भोग रहे हो, ये बात ध्यान से समझो। तो द्वितीयार्थे पर हर स्थिति में तदीयत्वम तदाश्रय, आवश्यकता क्या है कि शिव को आश्रय विष्णु को आश्रय प्राप्त करके तुम सच्चे शैव और सच्चे वैष्णव बन जाओ। तो बन गए हमें क्या तकलीफ क्या है, महाप्रभु जी कह रहे हैं भाई तकलीफ यही है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव से जीव जो दुष्ट है वो अपनो दोष वहां भी घुसाए बिना मानेगा नहीं, शिव के भजन में भी लफड़ा कर देगो विष्णु के भजन में भी लफड़ा कर देगो। तो दोषा भावाय सर्वदा, इन दोषन पे तुम कैसे काबू पाओगे अपने, तो श्रवणादि ततः प्रेमणा सर्वम कार्यम विसिध्यति। शिव को भक्तो तो शिव के शास्त्रन को श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदन करो, विष्णु के भक्त हो तो विष्णु के श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन पाद अर्चन वंदन दास निवेदन करो। वो श्रवणादि ततः प्रेमणा, प्रेम से तुम ये सब बात करोगे तो इन देवतान को तुम मोक्षदायक देवतान को तुम रिझा सकोगे, और प्रेम से नहीं कियो तो तुम्हारो स्वाभाविक दोष इनके साथ तुम्हारे बर्ताव में कहीं ना कहीं आड़े आ जाएगो। जैसे अपने स्वाभाविक दोष कृष्ण के साथ बर्ताव में अपने आड़े आ गए कि नहीं, ऐसे इनके साथ भी आ जाएंगे। जब कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक दोष आड़े आ गए तो इन देवताओं के साथ क्यों नहीं आड़े आ जाएंगे, इनके साथ भी आड़े आएंगे। मोक्षस्तु सुलभो विष्णु भोगश्च शिवतस्तथा, विष्णु सु मोक्ष सुलभ है शिव सु भोग सुलभ है, पर कौन सु क्या सुलभ है या के बजाय विचारने की आवश्यकता यह है कि समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवेद्रोम। तुम शिव के प्रति समर्पित हो के नहीं, तुम विष्णु के प्रति समर्पित हो के नहीं, ये नकत बात है। बाप दाखो नहीं तर श्राद्ध करा वाली, तुम यदि शिव सु मोक्ष चाह रहे हो कि विष्णु सु मोक्ष चाह रहे हो वो सब पीछे की बात है, पहले तुम शिव या विष्णु के प्रति समर्पित हो के नहीं या को तो खुलासा करो। यदि तुम समर्पित हो तो शिव विष्णु के प्रति समर्पित होने के कारण तुम शिव के सच्चे शैव बन जाओगे, तुम विष्णु के सच्चे वैष्णव बन जाओगे, और जब तुम तदीय बन गए तब तुम्हारा सारो काम सिद्ध हो सके। पर यदि तुम तदीय नहीं बन पा रहे हो क्योंकि वो स्वाभाविक जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ऐसे कोई स्वाभाविक दोष है तो क्या करना, तो कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं,
अतदीयतया चापि केवलश्चेत समाश्रित। तुम अतदीय हो, सच्चे शैव नहीं बन पाए हो, थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी चालू है। मैंने काफिर तो नहीं हूं, कहियो ना मुसलमान, एक बुद्ध से भी निभा किया जा रहा हूं मैं, तो ऐसी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हो कि काफिर नहीं हो पर मुसलमान भी नहीं हो, क्योंकि एक बुद्ध पाछो और निभा है अल्लाह के साथ। तो ऐसे अल्लाह के अलावा कोई बुद्ध भी और तुम कुछ निभा रहे हो कोई संबंध, तो अतदीय हो कुछ। तो महाप्रभु जी कहें कोई चिंता की बात नहीं है, आश्रय तो दृढ़ कर सके कि नहीं, कि जो भी कुछ तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो तदीयता में बाधक, उनको थोड़ी देर भूल के थोड़ा दृढ़ आश्रय तो कर, चाहे तो शिव को कर चाहे तो विष्णु को कर। समर्पण अतदीयतया चापी केवलश्चेत समाश्रित तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्या किंचित समाचरेत। जो कुछ करो तुम जीवन में काम, वो या आशय से करना शुरू करो कि या काम को करने से मेरे शिव को आश्रय दृढ़ होएगो, या काम को करने से मैं सच्चो शैव बन जाऊंगो, या काम को करने से मैं सच्चो विष्णु को आश्रय मुख दृढ़ होएगो, या काम को करने से मेरो सच्चो वैष्णवता सिद्ध हो जाएगी। तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्या किंचित समाचरेत स्वधर्म मनु तिष्ठन वही। जो वेद को धर्म है वाकु कैंसल किए बिना तो तुम्हारो काम बन जाएगो, नहीं तो भारत द्वैगुण्य मन्यता, नहीं तो डबल भार से लद जाओगे, क्योंकि तुम लौकिक मोक्ष के शास्त्र की प्रक्रिया से मुक्त होना चाह रहे हो और वाह भरोसे तुमने वेद को छोड़ दियो, तो धोबी को कुत्ता घर को न घाट को, क्योंकि वेद ने जितनी ओवरहॉल केयर ली है चारों पुरुषार्थन की उतनी केयर लौकिक शास्त्र ने नहीं ली है। पर यदि तुम वाकू निभा के लौकिक शास्त्र से कोई एडिशनल और वहां में सोना में सुहागा क्रिएट करना चाह रहे हो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो गए, यदि तुम सच्चे विष्णु भक्त हो गए वैदिक धर्म को निभाते हुए, तो तुम्हारे को घबराने की कोई बात नहीं है। स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत वैगुण्य मन्य था। ये देखो कहनो लड़की को और सुनानो बहू को, ये बाल बोध प्रबोधन कर रहे हैं महाप्रभु जी, पर पुष्टि जीव को समझा रहे हैं कि यदि शिव और विष्णु के प्रति मैं ये बात बता रहे हूं तो कृष्ण के प्रति कोई दूसरे तरीके की बात नहीं करनी है। यही बात कृष्ण के संदर्भ में भी समझनी है कि तुम कृष्ण को आश्रय करो, कृष्ण के तदीय बन जाओ, कृष्णाश्रित कृष्ण के भगवदीय बन जाओ और स्वधर्म मनु तिष्ठन वही। व्यर्थ में अपने धर्म को तोड़ने को आग्रह मत रखो, पर यथाशक्य पालने को आग्रह रखो, नहीं तो तुम दुगने भार से लद जाओगे। अपन ने यूं मान लियो कि वो वैदिक मार्ग तो मर्यादा मार्ग है और अपना तो प्रमेय मार्ग है। प्रमेय मार्ग में क्यों क्या कौभंड तुमने, सारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने खो दी और सारे उपद्रव ही उपद्रव किए प्रमेय मार्ग में, कोई काम तो अच्छा किया नहीं। तो वही बात महाप्रभु जी अपनी बहू को भी सुनाना चाह रहे हैं, बेटी को कह के, जिन बच्चान को कह रहे हैं उन बच्चान के अलावा यदि बेटी नहीं आती हो तो जमाई ले आओ भले या बेटा को कह के जमाई को सुनाना चाह रहे हैं, ऐसे समझ लो। बात एक ही है कि वहां में तात्पर्य नहीं है, मूल बात है कि या बालक प्रबोधन में पुष्टि मार्गी जीव को महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण के साथ तो को बर्ताव कैसे करना है, जैसो बर्ताव विष्णु के साथ करना है, जैसो बर्ताव शिव के साथ करना है, वो बर्ताव यदि तुम पुष्टि मार्गी हो तो तुमको कृष्ण के साथ करना है। इत्येवं कथितम सर्वम नैतद् ज्ञाने भ्रम पुनः। ये मैंने तुमको सारी बात समझा दी, यदि ये बात तुम समझ गए तो अब तुमको कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। ये तुम बात समझ गए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं फिर मैं कभी तुमको बच्चा नहीं कहूंगा, फिर तुम कहूंगा अच्छा अब तो तुम समझदार हो गए, अब तुम बच्चा नहीं रहे। पर यदि ये बात नहीं समझे तुम यार, तुम बच्चा रह गए, पाचे बालक ही रह गए, गुब्बा रह गए, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो अपन यहां रखें और आगे को ग्रंथ अपन कल करेंगे। अपन ने बाल प्रबोधन समझे महाप्रभु जी के आशय सु, बाकी जो सिनॉप्सिस है वो समझी, कल सो अपन महाप्रभु जी को जो हाँ शो हाँ हाँ समझे नहीं बा बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दूं।
सबको प्रार्थना करके कि कोई दूसरे आश्रय में या कुमत लीजिए। प्रश्न बताओ। हाँ खड़े होके बता दो ना जरा प्रश्न। सबको सुनाई नहीं पड़ेगा, विराज के बोलोगे तो आप प्लीज। ये देखो ध्यान से समझो, के सांख्य के जो त्याग की प्रक्रिया है और सांख्य के साधक जितना त्याग करते थे, निंदा के रूप में नहीं कह रहे हूं, वासु 10 गुना त्याग जैन करें दिगंबर सन्यासी करें कि नहीं करें, तो वो त्याग अपने वैदिक त्याग की प्रक्रिया से अनुकूल है कि प्रतिकूल है? महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से प्रतिकूल है। तो यद्यपि त्याग है पर स्वतः मोक्षदायक नहीं है, आई बात ख्याल में? और योग की प्रक्रियाएं में एक बात ध्यान से समझो कि योग लोगन की ऐसी भ्रांति है कि पतंजल योग ही योग है। दुनिया में योग के सैकड़ों प्रकार हैं, हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी, हर धर्म में, अपने हिंदू धर्म में ही नहीं, वो उन लोगों ने योग नाम नहीं दियो, नाम नहीं दियो वैसे क्या फर्क पड़े। क्रिश्चियन में योग की पूरी बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो यो अपने योग की बाप प्रक्रिया है। बुद्ध में जैन योग है, अब वो सब प्रक्रियाएं तो उपलब्ध है ही ना। उन योगिक प्रक्रियाएं की कोई जिम्मेदारी महाप्रभु जी नहीं लेना चाह रहे हैं या वेद के तहत फलम एकम अबाह्यत। ऐसी ऐसी भी योग की प्रक्रिया हैं, जैसे एक बात समझाऊ कि चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई सुंदर स्त्री को ध्यान करो, बाकी छेड़ती नहीं करने की, चित्त में बाकी सुंदर को रूप आकर्षण करके मन में ला के बस वा को ध्यान करो, बहुत रिस्की प्रक्रिया है तो सही प्रक्रिया, चित्त निरुद्ध हो भी सके है, क्योंकि अंत में तो हर चीज एक टपका की एक बिंदु की कीमत रखे है। जैसे आपने दिया की लौ पे अपने को चित्त एकाग्र कियो, कि कोई स्त्री के सौंदर्य पे अपने चित्त एकाग्र कियो, कि भगवान की मूर्ति पे अपने चित्त एकाग्र कियो, कि कोई पेड़ के पत्ता पे अपने चित्त एकाग्र कियो, कि कोई कुत्ता पे अपने चित्त एकाग्र कर लियो, क्यों नहीं हो सके चित्त एकाग्र? चित्त एकाग्र करने के कई इंस्ट्रूमेंट हो सके हैं, पर शास्त्र ने यह बात की प्रक्रिया बताई कि जो सात्विक विषय को आप चुनोगे चित्त एकाग्र करने के लिए, सात्विक मूर्ति को लोगे तो चित्त एकाग्र होएगो सात्विकता लिए वे, तामस मूर्ति चुनोगे तो चित्त एकाग्र होएगो तामसता लिए वे, और राजस मूर्ति चुनोगे चित्त को एकाग्र करने के लिए तो चित्त भी राजसता लिए वे होएगो। अब जब वो समाधि की अवस्था में जाएगो तब कुछ हासिल हो जाएगो, पर वो जो बीच को जो पैसेज है वहां में रही भाई राजस्ता तामस्ता कई खिलवाड़ कर सके आपके साथ, ख्याल में है ना? तो अब जैसे अपन ने कोई सुंदर स्त्री को ध्यान धर दिया रूप को कि हम ऐसे चित्त को एकाग्र करना चाह रहे हैं, तो चित्त एकाग्र नहीं भर कहीं काम वासना जग गई तो, पढ़ रहे हैं ध्यान वापे गयो तो चित्त एकाग्र हो गया भटक गयो, ये लफड़ाएंगे ना। तो चित्त एकाग्र करने में भी कोई सात्विक मूर्ति को ध्यान धरेंगे तो वो सात्विकता लिए भाई चित्त की एकाग्रता होगी, राजस मूर्ति को ध्यान धरोगे असमझे भैंस को कोई ध्यान धरे चित्त एकाग्र करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हो सके चित्त एकाग्र? निरंतर भैंस के सींग कैसे हैं, भैंस को मुंह कैसा है, भैंस की चार टांग कैसी है, भैंस की पूंछ कैसी है, भैंस कैसे कीचड़ में पड़ी रहे, सब बातन पे चित्त को एकाग्र करो, चित्त एकाग्र हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अंत में वो भैंस वाली जो तामसता आई वो पैसेज में कुछ लफड़ा पैदा कर सके, क्या दूध दुहने लग जाओगे भैया की तरह, फायदा क्या होगा? रिस्क है। या के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं फलम एकम
अबाह्यता, वो जो प्रक्रिया बता रहे हैं बाकी सारी जिम्मेदारी उनकी है, अपन कैसे क्या जान सके और क्या कह सके। पर वेद शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में वाकु अपन रिकग्नाइज नहीं कर सके। मूल बात इतनी है, फलम एकम अबाह्यता, यदि वेद सु प्रतिकूल है तो वो त्याग की भी प्रक्रिया अपने लिए ग्राह्य नहीं है और चित्त को एकाग्र करने की भी प्रक्रिया अपने लिए ग्राह्य नहीं है। ख्याल में हो ना, जैसे कि चित्त एकाग्र करो, देखो ध्यान से समझो, चित्त एकाग्र करो क्रॉस पे, कि जो क्रॉस पे क्रूसीफाइड क्रॉस क्राइस्ट आपके पाप को प्रायश्चित भोग रहे है। अब वाक पे चित्त एकाग्र कर करके आप रो कि आपके पाप को दंड क्राइस्ट को मिल रहे है, और रो इतने दीनहीन बन जाओ कि आप पापी हो और सारे आपके पाप को दंड प्रकाश्त बिचारो भुगत रहे है, और फिर करुणा पैदा करो और दुखी हो, कर लो, चित्त एकाग्र हो सके? क्यों नहीं हो सके? इजीली हो सके, कृष्णन ने किया या बात की साधना। पर वाक को सत्परिणाम होएगो कि दुष्परिणाम होएगो, वाक को मापने की फुटपट्टी अपने वेद में नहीं है ना, कैसे मापना? यदि आपको याद करे सु रोनो आ गए और प्रतिपल जैसे अपने यहां भगवत जी है कथाकार बात बात पर रोए लग जाऊ, ऐसे क्राइस्ट जो क्रूसीफाइड हो गए मेरे पाप के कारण, अब मेरे क्या होगा, मैं रो के क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा। तो अपने पास तो फुटपट्टी वेद की है ना, वेद के तहत अपन ना आपके बता सके। अब जो वेद सुस प्रतिकूल ही है, बाकी मैंने ग्राह्यता या अग्राह्यता अपन कैसे बता सके? कोई भी एक्शन क्राइम है कि नहीं है वो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यदि रेफर नहीं करना है वो बताओ कि कोई एक्शन क्राइम है कि नहीं है क्राइम, कैसे पता चलेगा? ख्याल में ना, जैसे बहन सु दानो पाप है, आपने क्रिश्चियनिटी रिफर करी तो पाप है, इजिप्ट को लॉ रिफर कियो तो पाप नहीं है, सगी बहन से ब्याते थे, कजिन से ब्यानो पाप नहीं है, क्रिश्चियनिटी माने बाइबल वगैरह आपने रिफर करी तो कजिन